ये देख लो गाइज, ये है आपके सामने एग्जाम्पल किस तरह से रिफ्रैक्टरी को लगाया जाता है बॉयलर प्रेशर पार्ट में। तो ये सारी ओल्ड वाली शील्डिंग है, देख रहे हो ये SS की होती है, SS के मेटल की, और ये सारी शील्डिंग इसी ट्यूबों में से निकाला गया है। इस तरह की शील्डिंग नहीं लगाते तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगी, इसमें इरोजन आ जाएगा जिसे हम लोग कटाव बोलते हैं, कट जाएगी ट्यूब फ्लू गैसेस की वजह से। जिधर फ्लू गैसेस का इफेक्ट हो गया ना, उधर से ये धीरे धीरे ट्यूब घिस जाएगी और उसे हम लोग इरोजन बोलते हैं। तो ये सारी स्ट्रेट वाली शील्डिंग देखो स्ट्रेट ट्यूब में लगेंगी, और ये बेंड जो है इस बेंड में लगेगा इस साइड से, अंदर के साइड से। और देखना ये पड़ता है ना कि फ्लू गैसेस का डायरेक्शन किधर से है, अगर फ्लू गैसेस उधर से आ रही हैं तो ये सारी शील्डिंग को इधर लगाया जाएगा। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ इकोनोमाइजर के अंदर इस वाले मैन होल से, बिकॉज उस वाले मैन होल से इकोनोमाइजर रिप्लेसमेंट का काम हो रहा है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो, न्यू इकोनोमाइजर कॉइल अंदर की तरफ आ रही है असेंबल होने के लिए, तो इसलिए मैं इस वाले मैन होल से आया हूँ। और इस तरफ का मैन होल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जैसा कि आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में देखा होगा। यहाँ पर दो मैन होल को बनाया गया था मैनुअली, एक इस तरफ में और दूसरा इस तरफ में जो अभी ओपन है। जब इधर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इस वाले मैन होल को भी क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ से SCW पैनल को कट किया गया है, और ये वाला जो मैन होल देख रहे हो ये परमानेंट ऐसे ही रहेगा। ये रियर साइड का मैन होल है, और ये नीचे की साइड में देखो ये लेफ्ट साइड का मैन होल है, और इधर में देखो ये राइट साइड का मैन होल है। और इस वक्त मैं इकोनोमाइजर के हॉपर एरिया में हूँ, मतलब कि इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन में। इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन की सभी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देखो, आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन के बारे में। क्या होता है इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन में, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, इस तरफ में ये जो आप सारी ट्यूबें देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर की साइड में जो ट्यूब आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, ये सभी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देखो, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है इकोनोमाइजर के हॉपर एरिया के बारे में। और अब आप इस तरफ में देखो, मैं जो आप लोगों को दिखाने और बताने के लिए इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन में आया हूँ वही चीज़ आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हो। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देख लो गाइज, ये है आपके सामने एग्जाम्पल किस तरह से रिफ्रैक्टरी को लगाया जाता है बॉयलर प्रेशर पार्ट में। जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो कुछ इसी तरह से लगाया जाता है कास्टेबल रिफ्रैक्टरी को बॉयलर के अलग अलग एरिया और अलग अलग एलिवेशन पर। और इस वक्त मैं इकोनोमाइजर के हॉपर एरिया में हूँ, तो आप इसे समझ सकते हो कि इस वक्त मैं बॉयलर प्रेशर पार्ट के सेकंड पार्ट में हूँ। और बॉयलर प्रेशर पार्ट का फर्स्ट पास होता है बॉयलर का वाटर वाल फर्नेस एरिया। इस वक्त SCW के हेडर में कास्टेबल रिफ्रैक्टरी को लगाया जा रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। ये है हेडर जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। ये लेफ्ट साइड का हेडर है SCW का, ये रियर साइड का हेडर है, इसमें भी रिफ्रैक्टरी को लगाया जाएगा जैसे इस तरफ में लगाया जा रहा है, यहाँ से लेके इस एंड से लेके पूरा उस एंड तक। उसके बाद वो राइट साइड की तरफ भी लगाया जाएगा, मतलब कि ये चारों साइड में जो आप हेडर देख रहे हो इस तरह का, ये SCW का हेडर, इस पूरे हेडर में इस कास्टेबल रिफ्रैक्टरी को लगाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इस तरफ की, ये इकोनोमाइजर का इको इनलेट हेडर, इसमें भी इस रिफ्रैक्टरी को लगाया जाएगा। उसके बाद वो रियर साइड का जो आप हेडर देख रहे हो उधर भी लगाया जाएगा। और इस रिफ्रैक्टरी को लगाने का रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस पहला तो मैंने आपको रीज़न बताया था कि इस रिफ्रैक्टरी को वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, या ये कहें कि हीटिंग जोन एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पर इस रिफ्रैक्टरी को यूज़ किया जाता है। और बॉयलर प्रेशर पार्ट में सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट बॉयलर के फर्स्ट पास में होता है, या ये कहें कि बॉयलर का फर्स्ट पास हीटिंग जोन एरिया होता है, सबसे ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम बॉयलर के फर्स्ट पास में होती है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि जब बॉयलर के फर्स्ट पास में हीटिंग इफेक्ट होता है, या ये कहें कि बॉयलर का हीटिंग जोन एरिया फर्स्ट पास है, तो फिर इस रिफ्रैक्टरी को बॉयलर के सेकंड पास में क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो इसका जवाब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये है इकोनोमाइजर का हॉपर एरिया, राइट। तो इकोनोमाइजर का हॉपर एरिया, या ये कहें कि इकोनोमाइजर, ये बॉयलर का सेकेंड पार्ट होता है, और बॉयलर का सेकेंड पार्ट कनेक्ट रहता है बॉयलर के फर्स्ट पार्ट से। ऐसा नहीं कि दोनों सेपरेट होते हैं, मैंने आपको बताया ना बॉयलर में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, पर ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों सेपरेट रहते हैं। हाँ, आपको ऐसा होगा कि आप कुछ एलिवेशन के बाद नीचे आओगे, मतलब कि टॉप एलिवेशन से थोड़ा नीचे आ जाओगे, तो आपको ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, पर दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, तो जो बॉयलर के फर्स्ट पास से फ्लू गैसेस निकलती है वो बॉयलर के सेकेंड पास से होकर डक्ट के थ्रू चिमनी तक जाती है। तो उसी फ्लू गैसेस से बचने के लिए, या ये कहें कि उस फ्लू गैसेस के इफेक्ट को रोकने के लिए, इस तरह की रिफ्रैक्टरी को यूज़ किया जाता है बॉयलर के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कोई भी हीटिंग जोन नहीं होता, या कहीं पर भी ऐसा हीटिंग इफेक्ट नहीं होता जिससे कि इस तरह की ट्यूबों को या हेडर को नुकसान हो।
और इस रिफ्रैक्टरी को यूज़ किया जाता है फ्लू गैसेस इफेक्ट से बचने के लिए। फ्लू गैसेस इतनी तेज होती है ना कि अगर इस तरह की रिफ्रैक्टरी को यूज़ नहीं किया जाए तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो कम हो जाती है। उसका एग्जांपल इस तरफ में है, ये जो आप हेडर देख रहे हो ना, ये हेडर की थिकनेस 50 mm है और अभी मैंने चेक करवाया था 2-3 दिन पहले अल्ट्रासोनिक मशीन से या फिर डी मीटर से, तो इसकी 20 mm थिकनेस ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपको इससे अंदाज़ा हो चुका होगा कि फ्लू गैसेस का इफेक्ट कितना होता है कि इस हेडर की 20 mm थिकनेस ख़त्म हो चुकी है। तो इसी को रोकने के लिए, ये जो थिकनेस कम हो गई 20 mm, उसे बचने के लिए इस तरह की रिफ्रैक्टरी को यूज़ किया जाता है बॉयलर के सेकंड पार्ट में, मतलब कि अलग अलग जगह पर। इस वक्त मैं इकोनोमाइजर के हॉपर एरिया में हूँ, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर रिफ्रैक्टरी लगाई जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आप हेडर देख रहे हो तो ये हेडर में लगाई जाएगी चारों साइड में, इकोनोमाइजर के चारों साइड, राइट। सेकंड, ये जो आप हेडर देख रहे हो ये इकोनोमाइजर का इको इनलेट हेडर है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टरी लगाई जाएगी बिल्कुल इस जगह पर, ये स्टब जॉइंट के पास में, ताकि यहाँ पर भी फ्लू गैसेस का इफेक्ट ना हो, राइट। और थर्ड वाला पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँ, इधर हाँ ऊपर की साइड में है, यहाँ से तो दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को पर बता देता हूँ, ये राइट साइड की तरफ और ये लेफ्ट साइड की तरफ। ऊपर की साइड में LRSB का जो पॉइंट होता है, या ये कहें कि LRSB जहाँ पर लगा होता है, तो उसके आसपास के एरिया में चार ट्यूब इधर मान लेते हैं या चार ट्यूब इधर मान लेते हैं, ऐसे करके उस एरिया में रिफ्रैक्टरी को लगाया जाएगा LRSB की जगह पर, जहाँ पर LRSB लगा होता है, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर। तो ये मिडिल पोजीशन में होता है दो, उसके बाद दो टॉप पोजीशन में होता है लेफ्ट साइड की तरफ, और उतना ही राइट साइड की तरफ होता है। तो LRSB के आसपास में रिफ्रैक्टरी को यूज़ किया जाएगा। मैन होल होता है बॉटम पोजीशन में, उसके बाद ये बॉटम पोजीशन में मैन होल देख रहे हो, ठीक इसी तरह का ऊपर में है, चार मिडिल पोजीशन में, चार टॉप पोजीशन में, लेफ्ट साइड की तरफ, उसके बाद राइट साइड की तरफ। तो इस तरह की रिफ्रैक्टरी को मैन होल के आसपास में लगाया जाएगा, ये हेडर में लगाया जा रहा है, उसके बाद इस वाले हेडर में लगाया जाएगा, वो रियर साइड का सॉरी फ्रंट साइड का हेडर है उधर भी लगाया जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल हैं जो मैंने आपको दिए कि इस रिफ्रैक्टरी को कहाँ पर और क्यों यूज़ किया जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इस कास्टेबल रिफ्रैक्टरी को बॉयलर प्रेशर पार्ट में क्यों यूज़ किया जाता है और इसे अलग अलग जगह पर क्यों यूज़ किया जाता है, लाइक इकोनोमाइजर में क्यों यूज़ किया जाता है, LTSH में क्यों यूज़ किया जाता है, बॉयलर के फर्स्ट पास बोले तो फर्नेस एरिया में क्यों यूज़ किया जाता है। ये सभी सवालों का जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इस कास्टेबल रिफ्रैक्टरी से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करूं कि इस कास्टेबल रिफ्रैक्टरी को क्यों यूज़ किया जाता है बॉयलर प्रेशर पार्ट में, तो आप बस इतना समझ लो कि जहां पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है या जहां पर हीटिंग जोन एरिया होता है, और दूसरा जहां पर फ्लू गैसेस इफेक्ट होता है, तो बस वही सारी जगह पर इस रिफ्रैक्टरी को यूज़ किया जाता है उससे बचने के लिए, मतलब कि हीटिंग इफेक्ट से बचने के लिए और फ्लू गैसेस इफेक्ट से बचने के लिए। और हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो ये बॉयलर के फर्स्ट पास में सबसे ज़्यादा होता है और फ्लू गैसेस इफेक्ट बॉयलर के सेकंड पास में होता है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हो, ये इकोनोमाइजर का हॉपर एरिया है और यहाँ पर फ्लू गैसेस इफेक्ट ज़्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, हीटिंग इफेक्ट बॉयलर के फर्स्ट पास में होता है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि जो फ्लू गैसेस बॉयलर के फर्स्ट पास से निकलती है और बॉयलर के सेकंड पास से होकर वो बाहर जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो हीट होती होगी, तो उसका हीटिंग इफेक्ट तो बॉयलर के सेकंड पास में होगा ही। तो मैं इसका जवाब भी आप लोगों को दे देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बॉयलर का फर्स्ट पास जो एरिया है ना, वो सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट वाला एरिया होता है और वहाँ से जो फ्लू गैसेस निकलती है, यस आपका सोचना सही है, वो हीट रहती है, पर उसका हीटिंग इफेक्ट बॉयलर के सेकंड पास में नहीं होता, बिकॉज वो उतना ज़्यादा हीट नहीं होती कंपेयर टू बॉयलर का फर्स्ट पास। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो फ्लू गैसेस का इफेक्ट होता है, इसीलिए इस तरह की रिफ्रैक्टरी को यूज़ किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि फ्लू गैसेस का इफेक्ट पूरे इकोनोमाइजर में होता है, अगर पूरे इकोनोमाइजर में इसका इफेक्ट होता तो जाहिर सी बात है कि ये जो आप SCW का पैनल देख रहे हो, चाहे वो लेफ्ट का हो, राइट का हो, रियर का हो, फ्रंट का हो, या ये सारी ट्यूबें जो देख रहे हो, ये सभी में रिफ्रैक्टरी को लगाया जाता है। तो इससे तो आपको ये आइडिया हो गया कि ये सिर्फ सेलेक्टेड जगह पर इफेक्ट होता है। जैसे ये देखो, हेडर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, इस हेडर पे होता है, हेडर के जो स्टब जॉइंट है ना वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, तो वही सारी जगह पर इस तरह की रिफ्रैक्टरी को यूज़ किया जाता है। जैसे देखो, यहाँ पर भी ऑलरेडी पहले से रिफ्रैक्टरी लगी हुई थी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर रिफ्रैक्टरी नहीं थी, पर होता क्या है कि जो बॉयलर रनिंग कंडीशन में होता है, तो रनिंग कंडीशन में धीरे धीरे जो रिफ्रैक्टरी है वो टूट के गिर जाती है। तो रनिंग कंडीशन में तो कोई लगाने आएगा नहीं दोबारा से, जब शटडाउन होता है तभी रिफ्रैक्टरी को लगाया जाता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ की रिफ्रैक्टरी गिर गई, गिरने के बाद जो फ्लू गैसेस है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो गया, उस तरफ की रिफ्रैक्टरी नहीं गिरी तो वहाँ पर कम हुआ, और यहाँ की जो रिफ्रैक्टरी गिर गई उसी की गिरने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो गया फ्लू गैसेस का। अब ऊपर में ये SCW की ट्यूब है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, स्टब जॉइंट के पास में रिफ्रैक्टरी लगती है, देखो ना वहाँ,
स्टब जॉइंट से लेके नीचे, जो ये नीचे की आप प्लेट देख रहे हो ये वॉल है एक तरह की, तो इस वाले एंड से लेके उस वाले एंड तक, मतलब कि पूरा का पूरा हेडर को कवर किया जाता है रिफ्रैक्ट्री से। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि जैसे मान लो इस हेडर को तो मैंने बचा दिया रिफ्रैक्ट्री लगा के, ठीक है, ये चारों साइड के हेडर में मैंने रिफ्रैक्ट्री लगवा दी, तो अब इस पे फ्लू गैसेज का इफेक्ट नहीं होगा। पर ऐसा मान लेते हैं कि ये जो SCW की ट्यूब आप देख रहे हो इस पर अगर फ्लू गैसेज का इफेक्ट होता है, या ये जो आप कनेक्शन की ट्यूबें देख रहे हो इकोनोमाइजर की, इस पर अगर फ्लू गैसेज का इफेक्ट होता है तो इस पर रिफ्रैक्ट्री कैसे लगेगी, हवा में तो लग नहीं सकती। तो उसका भी जवाब है मेरे पास। ये देखो, ये सारी ओल्ड वाली शील्डिंग है, देख रहे हो, ये SS की होती है, SS के मेटल की, और ये सारी शील्डिंग इसी ट्यूबों में से निकाला गया है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है फ्लू गैसेस का हो या फिर हीटिंग इफेक्ट हो, मैं बॉयलर प्रेशर पार्ट के फर्स्ट पास और सेकेंड पास दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जैसे इस वाले को देखो, इसका शेप अलग है ना, एल शेप में है, और इसको देखो आप, ये भी एल शेप में है, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है पर फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये देखो, ये एल शेप में बेंड है, ये भी है और ये बाकी स्ट्रेट है। तो ये सारी स्ट्रेट वाली शील्डिंग देखो स्ट्रेट ट्यूब में लगेंगी, और ये बेंड जो है इस बेंड में लगेगा इस साइड से, अंदर के साइड से। और देखना ये पड़ता है ना कि फ्लू गैसेस का डायरेक्शन किधर से है, अगर फ्लू गैसेस उधर से आ रही हैं तो ये सारी शील्डिंग को इधर लगाया जाएगा, अगर फ्लू गैसेस इस तरफ से आती हैं तो शील्डिंग को इस तरफ से लगाया जाता है। तो अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया कि ट्यूब पर इफेक्ट को रोकने के लिए, मतलब ये सारी ट्यूबों पर अगर फ्लू गैसेस का इफेक्ट होता है तो उसे रोकने के लिए इस तरह की शील्डिंग को यूज़ किया जाता है। ये सारी स्ट्रेट हैं और ये बेंड है, बेंड दोनों तरीके से आती हैं, एक अंदर की साइड और दूसरा बाहर की साइड। देखना ये है कि फ्लू गैसेस का डायरेक्शन किधर है। सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई ना कि इस ट्यूबों को कैसे बचाना होता है फ्लू गैसेस इफेक्ट से या हीटिंग इफेक्ट से, और ये हेडर को कैसे बचाते हैं। अब यही वाली शील्डिंग वहाँ पर भी लगती है, स्ट्रेट वेल्ड की जाती है SS के रॉड से, बिकॉज ये मेटल भी SS का है। तो इस वाली शील्डिंग को हम इसे स्ट्रेट ट्यूब में भी लगा सकते हैं, बेंड है तो बेंड में लगा सकते हैं, और इसी स्ट्रेट ट्यूब को वहाँ पर लगा सकते हैं। पर सबका डाया अलग होता है। जैसे बात करें इस SCW ट्यूब की, तो इसका डाया आई थिंक 51 होना चाहिए मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और ये जो सारी ट्यूबें देख रहे हो ये 47 की हैं, और ये जो सारी स्ट्रेट ट्यूब देख रहे हो आप ये 51 की हैं। तो उसी हिसाब से ये सारी शील्डिंग आती हैं, 63 डाया की, 51, 47, 44, तो उसी हिसाब से ये सारी शील्डिंग को लगाया जाता है ट्यूबों में। और ये जो आप सारी शील्डिंग देख रहे हो ना, इसका सिर्फ यही एक काम है, फ्लू गैसेस इफेक्ट से बचाना और हीटिंग इफेक्ट से बचाना, बिकॉज ये सारी ट्यूबों को हमें संभाल के सही तरीके से यूज़ करना है ना। ऐसा नहीं है कि इसे बस लगा दिया और इसका काम हो गया। अगर इसे हम सेफ रखेंगे, बचा के रखेंगे, तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगी, और अगर इसे हम सेफ नहीं रखते, इस तरह की शील्डिंग नहीं लगाते, तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगी, इसमें इरोजन आ जाएगा, जिसे हम लोग कटाव बोलते हैं, कट जाएगी ट्यूब फ्लू गैसेस की वजह से। जिधर फ्लू गैसेस का इफेक्ट हो गया ना, उधर से ये धीरे धीरे ट्यूब घिस जाएगी, और उसे हम लोग इरोजन बोलते हैं। और ट्यूब घिसने का मतलब वही है कि इसकी थिकनेस कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं से भी फट सकता है रनिंग कंडीशन में, जिसे हम लोग BTL बोलते हैं, बॉयलर ट्यूब लीकेज होना। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कास्टेबल रिफ्रैक्टिव से रिलेटेड। इस कास्टेबल रिफ्रैक्टिव को बॉयलर प्रेशर पार्ट में क्यों यूज़ किया जाता है, और इसे अलग अलग एरिया में क्यों यूज़ किया जाता है, बॉयलर के फर्स्ट पास में, सेकंड पास में क्या रीज़न होता है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया सिंपल वर्ड में। और साथ ही साथ ये सामने देखो, इस शील्डिंग से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि इस शील्डिंग को बॉयलर प्रेशर पार्ट में क्यों यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।